Hello friends, welcome to Siddhi classes. Let's today start with trigonometric functions of allied angles. Now first let us see what is an allied angle. So allied angle is sum or difference of any two angles is an integral multiple of pi by 2. ठीक है, that is pi by 2 or 3 pi by 2 like this. ठीक है, तो these angles are called as allied angles. For example, if theta is given angle, then pi by 2 minus theta, pi by 2 plus theta, pi minus theta, pi plus theta, 3 pi by 2 minus theta, 3 pi by 2 plus theta, 2 pi minus theta, 2 pi plus theta, and so on are allied angles. ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं इनमें से कोई भी अगर आप एंगल लेते हैं और थीटा के साथ पेयर करते हैं, देन देयर सम और डिफरेंस विल कम्स आउट टू बी एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू. क्लियर? सो हियर वी हैव टू फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ दीज अलाइड एंगल्स. मतलब हमें साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, वी हैव टू फाइंड आउट ऑफ दीज एंगल्स. तो मैं यहां पर 8 एंगल्स लेता हूं, जैसे 1, 2, this is 3, 4, 5, 6, 7 and 8. ऑब्वियसली इसके आगे भी है, लेकिन हम जो 8 एंगल्स की बात कर रहे हैं, दीज आर ऑफ वन कंप्लीट रोटेशन. जो फर्स्ट रोटेशन होता है हमारा 0 degree to 360 degree, मतलब कि 2 पाई तक. उसमें जो अलाइड एंगल्स है उसके रेशियोज हम निकालते हैं. ठीक, सो गिवन एनी एंगल, एक्सप्रेस इट एज n पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा. तो कोई भी एंगल होगा तो आपको उसे एक्सप्रेस करना है इन दिस फॉर्म, दैट इज n पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, वेयर थीटा इज एन एक्यूट एंगल. ठीक, नाउ डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ n, वी हैव टू केसेस, दो केस हो जाते हैं हमारे पास. देखिए, जैसे कि फर्स्ट केस, n इज ऑड, सो दैट इज, देखिए अब यहां पर n की वैल्यू ऑड हो जाएगी, मतलब 1 पाई बाय 2, दैट इज पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, या फिर 3 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, या फिर 5 पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा, एंड सो ऑन. ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट केस वेयर वैल्यू ऑफ n इज ऑड. नाउ इन दिस केस फर्स्ट रूल इज दिस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंजेस. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होता है, मतलब क्या होता है, साइन बिकम्स कॉस, कॉस बिकम्स साइन. सिमिलरली टैन becomes cot, cot becomes tan, sec becomes cosec and cosec becomes sec. ठीक है, सेकेंड रूल इसमें है, द साइन मतलब कि प्लस और माइनस डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रंट इन विच गिवन एंगल. अब गिवन एंगल कौन सा है हमारा, इट इज दिस n पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा. ठीक है, इन विच गिवन एंगल, दैट इज n पाई बाय 2 प्लस और माइनस थीटा लाइज,
ठीक है, यह एंगल जिस क्वाड्रेंट में होगा उस क्वाड्रेंट में हमें देखना पड़ेगा कि कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है. सो दिस इज द फर्स्ट रूल. सेकंड केस होता है इफ एन इज इवन, दैट इज व्हाट. अब एन की वैल्यू यहां पर इवन हो जाएगी, मतलब 2, 4, 6 होगा. सो इट इज 2π/2 प्लस और माइनस थीटा कॉमा 4π/2 प्लस और माइनस थीटा कॉमा 6π/2 प्लस और माइनस थीटा एंड सो ऑन. सो दिस कैन बी फर्दर सिंप्लीफाइड एज, देखिए अब जैसे कि यहां पर ये 2 के मल्टीपल्स है, इवन मल्टी इवन नंबर्स है ना. वैल्यू ऑफ एन इज इवन, सो दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 2. सो हम यहां पर 2, 2 कट हो जाएगा, यहां पर 2, 2 जा 4 हो जाएगा, यहां पर 2, 3 जा 6 हो जाएगा. सो विल गेट व्हाट, पाई प्लस और माइनस थीटा, 2π प्लस और माइनस थीटा, 3π प्लस और माइनस थीटा एंड सो ऑन. सो कैन वी से दैट द फर्स्ट केस इज फॉर पाई बाय 2 एंड द सेकंड केस इज फॉर पाई. सो इन दिस केस फर्स्ट रूल इज दिस, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज. ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता है, मतलब साइन का साइन रहेगा, कॉस का कॉस रहेगा, टैन का टैन रहेगा. ठीक, एंड द सेकंड थिंग दैट इज दिस, द साइन प्लस आर माइनस इट इज सिमिलर टू दिस वन, ऐसे ही होगा आपका. सेकंड रूल इज सेम, द साइन प्लस आर माइनस डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट इन विच गिवन एंगल लाइज. क्लियर है? तो अब यूजिंग दिस टू केसेस वी कैन फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी अलाइड एंगल. ठीक है, हम किसी भी अलाइड एंगल के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं. इन पर्टिकुलर यहां पर हम इस 8 अलाइड एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालते हैं. अब देखिए इसके लिए तो फर्स्ट रूल तो है, दोनों भी केसेस में कौन सा है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होगा या तो नहीं होगा. चेंज कब होगा, जब मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा. ठीक, या फिर हम बोलेंगे ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होगा. और चेंज कब नहीं होगा, जब मल्टीपल ऑफ पाई होगा. क्लियर? सो नाउ सेकंड केस में हमें ये डिसाइड करना होता है वेदर इट इज प्लस और माइनस एंड इट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट. सो नाउ लेट अस सी कि ये जो 8 एंगल्स की हम बात कर रहे हैं ये कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं. सो हियर आई हैव ड्रॉन क्वाड्रेंट सिस्टम. सो दिस इज व्हाट, दिस इज 0 रेडियन, दिस इज पाई बाय 2 रेडियन, दिस इज पाई रेडियन, दिस इज 3π/2 रेडियन एंड हियर अगेन इट इज 2π रेडियन. नाउ वी नो द कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंगल एंड निगेटिव एंगल. पॉजिटिव एंगल कब होता है, जब आपका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा तो पॉजिटिव एंगल तैयार होता है, इट मींस प्लस एंगल, पॉजिटिव एंगल. और जब आप निगेटिव डायरेक्शन में रोटेशन करते हैं इस तरीके से, देन इट बिकम्स अ निगेटिव एंगल. क्लियर? तो अब हम चेक करते हैं कि जो हमारे एंगल्स है दैट इज पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 प्लस थीटा, ये कौन से क्वाड्रेंट में है. सो लेट अस चेक दिस. सो सी दिस इज पाई बाय 2. ठीक है, अगर हम यहां से पीछे आते हैं दैट इज बैकवर्ड्स, देन इट इज नथिंग बट पाई बाय 2 माइनस थीटा. अगर हम पाई बाय 2 से आगे जाएंगे देन वी विल गेट पाई बाय 2 प्लस थीटा, एज्यूमिंग थीटा एज एन एक्यूट एंगल. दिस इज पाई, पीछे जाएंगे तो हमें मिलने वाला है पाई माइनस थीटा. हम अगर आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं सो विल गेट पाई प्लस थीटा. यहां पर 3π/2 है, सो गोइंग बैकवर्ड्स विल गेट 3π/2 माइनस थीटा. गोइंग फॉरवर्ड यू विल गेट 3π/2 प्लस थीटा. क्लियर? नाउ दिस पॉइंट इज नथिंग बट इट इज 2π. ठीक, हम आगे अगर बढ़ते हैं सो विल गेट 2π प्लस थीटा, और पीछे आते हैं तो हमें मिलेगा 2π माइनस थीटा. सो दीज आर 8 एंगल्स फॉर विच वी हैव टू फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. क्लियर? सो अब हमारे पास क्लियर हो गया कि कौन कौन से क्वाड्रेंट में. सी दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज लास्ट दैट इज फोर्थ क्वाड्रेंट. और आपको मालूम है कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है कौन निगेटिव होता है. जैसे कि हमने इसके लिए रूल ध्यान में रखा है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, ये हमारा रूल है.
अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल मीन्स ए, सो इट मीन्स व्हाट, ऑल आर पॉजिटिव, सो ऑल द सिक्स रेशियोज आर पॉजिटिव ओवर हियर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन सेकंड क्वाड्रेंट यस इज देयर, सो इट मीन्स साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक आर पॉजिटिव एंड रिमेनिंग फोर आर निगेटिव. इन थर्ड क्वाड्रेंट वी आर हैविंग टी दैट इज टैन एंड क्वाट इज पॉजिटिव, ठीक है, और बाकी बचे हुए चारों भी रेशियोज आपके निगेटिव होंगे. फोर्थ क्वाड्रेंट में सी है, मतलब कि कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव, रिमेनिंग फोर आर निगेटिव. नाउ यूजिंग दिस यू कैन फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एनी एंगल. क्लियर? लेट अस स्टार्ट विथ फर्स्ट. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड आउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा. ठीक है, सो हम इसकी बात करें, दिस इज फर्स्ट वन, पाई बाय टू माइनस थीटा. नाउ विच इज दिस क्वाड्रेंट, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, हमने लिख दिया यहां पर, दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट. लेट अस फाइंड आउट साइन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा, कॉस ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा, टैन ऑफ पाई बाय टू माइनस थीटा. हियर आई एम राइटिंग क्वाट. Then next sec, and last one is cosec. Let's try to find out answers of this. See, first thing, दो rules है हमारे पास. कौन से? या तो pi by 2 का multiple है या pi का multiple है. अब देखिए यहां पर हमने जो लिखा है, इट इज pi by 2 minus theta. So मतलब pi by 2 के multiples है, odd multiples. So it means trigonometric ratio changes. So all this will become sine का हो जाएगा, cos theta cos का, sine theta tan का, quad quad का, tan sec का हो जाएगा, cosec theta cosec का हो जाएगा, sec theta. अब हमें एक चीज और डिसाइड करनी होती है, वो है यहां पर sine कौन सा देना है, प्लस देना है या फिर माइनस देना है. एंड इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन द क्वाड्रेंट इन विच द गिवन एंगल लाइज. गिवन एंगल मतलब पाई बाय टू माइनस थीटा कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, सारे पॉजिटिव है, मतलब कि ये साइन कॉस टेन ऑल आर पॉजिटिव. क्लियर? तो हमने यहां पर प्लस साइन दे दिया, हो गए हमारे फार्मूले रेडी. ठीक, लर्न नहीं किया हमने, बट हमारे पास टेक्निक है, वे फाउंड इट आउट. अब आप सेकंड करेंगे, फिर आप थर्ड करेंगे, फोर्थ में आपके लिए करके देता हूं. सो अब हम लेते हैं फोर्थ पॉइंट, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ पाई प्लस थीटा. नाउ सी दिस पाई प्लस थीटा इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएगा. ठीक, तो हमने यहां पर मेंशन कर दिया, इट इज थर्ड क्वाड्रेंट. क्लियर? नाउ लेट अस फाइंड आउट साइन पाई प्लस थीटा, कॉस टैन, क्वाट, सेक एंड कोसेक ऑफ पाई प्लस थीटा. ठीक, नाउ दिस इज द सेकंड केस, दैट इज द केस ऑफ पाई, एंड इन दिस केस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डज नॉट चेंज. So it means sine of pi plus theta. So it will here sine theta, here it is cos theta, here it is tan theta, quad theta, sec theta and cosec theta. अब हमें डिसाइड करना है पॉजिटिव और नेगेटिव, और ये कहां से डिसाइड होता है, आपका क्वाड्रेंट से. जैसे कि आप देख पा रहे हैं पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, टैन एंड क्वाट. सो हियर टैन ऑफ पाई प्लस थीटा, इसका जो आंसर आएगा इट विल बी पॉजिटिव. कॉट ऑफ पाई प्लस थीटा, इसका जो आंसर आएगा इट विल बी पॉजिटिव. ठीक, एंड रिमेनिंग विल बी नेगेटिव. तो यहां पर सारे ये नेगेटिव हो जाएंगे. तो इस तरीके से हम सभी एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? अब जैसे मैंने यहां पर फोर्थ आपके लिए कर दिया, फर्स्ट भी हमने किया था, ठीक, फोर्थ मैंने कर दिया. बाकी जो है सेकंड थर्ड, दिस इज फिफ्थ वन, दिस इज सिक्स्थ वन, दिस इज सेवन
एंड दिस इज एट। ये सारे के सब के छह फार्मूले हो जाएंगे हर एक के, ठीक। सो दीज आर टोटल 8 × 6 = 48 फार्मूला दे आर देयर। तो आप ये सारे फार्मूले बनाएंगे, क्लियर। नाउ लेट अस सी व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ दिस। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, हम लर्न नहीं करना है ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि मान लीजिए आपको कोई भी एक निकालना होगा, लेट अस सी यू हैव टू फाइंड आउट टैन ऑफ 5π/2 + थीटा, ठीक। अगर वी हैव टू फाइंड आउट टैन ऑफ 5π/2 + थीटा। नाउ सी यहां पर पाई बाय टू का ऑड मल्टीपल है, मतलब कि टैन का रेशियो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम क्वाड थीटा। अब प्लस लेना है कि माइनस लेना है, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट, इट डिपेंड्स अपॉन क्वाड्रेंट। अब 5π/2 + थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होगा, हम यहां पर जाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, दिस इज 1π/2, दिस इज 2π/2, 3π/2, 4π/2 एंड दिस इज अगेन 5π/2 एंड प्लस थीटा, मतलब आप आगे बढ़ेंगे तो क्वाड्रेंट हो गया सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में टैन जो होता है नेगेटिव होता है, तो मिल गया हमें आंसर टैन ऑफ 5π/2 + थीटा का। मान लीजिए आपको निकालना है सेक ऑफ 7π/2 - थीटा, ठीक। अब देखिए अगेन यहां पर क्या है, 7 दैट इज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय टू, सो सेक विल बिकम फर्स्ट कोसेक थीटा। तो ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या डिसाइड करना है, प्लस की माइनस, ये किस पर डिपेंड करेगा, क्वाड्रेंट पर। अब देखते हैं कौन सा क्वाड्रेंट है, 7π/2 - थीटा। आप रोटेट करेंगे यहां से, सो इट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7π/2, सो दिस इज 7π/2 एंड माइनस थीटा, मतलब आप पीछे आएंगे, ठीक है। तो हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और क्वाड पॉजिटिव है लेकिन सेक आपका नेगेटिव है। सिमिलरली लेट अस फाइंड आउट कोसेक ऑफ 4π - थीटा, ठीक। नाउ सी 4π मतलब कि पाई का मल्टीपल है, तो कोसेक विल रिमेन कोसेक थीटा। पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, चलिए देखते हैं। 4π - थीटा कहां पर होगा, सो दिस इज 2π, ठीक है। यहां तक हमने एक कंप्लीट रोटेशन किया तो 2π हो गया ये वाला, और यही सेम और एक रोटेशन के बाद दिस विल बिकम 4π, ठीक। एंड 4π - थीटा तो हमें पीछे आना है, तो यहां पर 4π है माइनस थीटा, पीछे आ गए, सो इट विल बिकम फोर्थ क्वाड्रेंट इन विच कॉस एंड सेक आर पॉजिटिव बट कोसेक इज नेगेटिव, क्लियर। सो इन दिस वे वी